दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले टोनी शुक्ला का बहुत सारा अभिवादन आप सभी को। मैं आज हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें एक बहुत ही बेहतरीन नायाब प्रोडक्ट है, दैट इज DMIT टेस्ट। और मैं भी बहुत कौतूहल में था, क्यूरियोसिटी में था कि क्या एक्चुअली होता है। और आज हमारे पास एक विशेषज्ञ साथ में है और मैं अपना DMIT टेस्ट कराने आया हूँ। ये फिंगर पे अलग अलग तरह से सर ने मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। दोस्तों मैं चाहूंगा थोड़ा सा क्लोज करके इसको आप दिखाएं। ये अलग अलग तरह से इसने मेरे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को अलग अलग कोऑर्डिनेट किया है, अलग अलग फिंगरप्रिंट के माध्यम से इतनी इमेजेस क्रिएट की हैं। और ये सारी इमेजेस को अभी मुझे क्रिएट करने में करीब 15 से 20 मिनट लगे हैं दोस्तों। और जितना मुझे सर से पता चला है, हम बहुत लेट हो गए इस DMIT को समझने में। नई नई चीजें आती है, कई बार हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन आज मेरी फिंगरप्रिंट हुई है। और मैं चाहूंगा हमारे जो सर है, विशेषज्ञ महोदय है, वो इस पर अपनी कमेंट करें और एक्चुअली व्हाट DMIT इज ऑल अबाउट, प्लीज। एक्चुअली डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस बिलोंग्स टू अवर ब्रेन पैटर्न्स, राइट? मींस व्हाट दैट अवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट व्हिच इज कॉल्ड अ प्रीफ्रंटल, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। एंड दिस 5 फिंगर्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू अवर ब्रेन। तो हम देख सकते हैं कि सर का हमने आज फिंगरप्रिंट एनालिसिस किया है, तो हमने अलग अलग 30 पैटर्न से ये रिपोर्ट को जनरेट किया है। डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट से जब मैं सर की प्रिंट्स को ले रहा था तो एक ही बार में वो डार्कनेस का उनका प्रिंट्स आया है। ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है सर का बहुत अच्छा है। इससे ये शो करता है कि जो इनके सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन का लेवल अच्छी मात्रा में पहुंच रहा है, जिनसे इनका माइंड शार्प रह सकता है, क्रिएटिव पर्सनैलिटी है। और हम ये भी जान सकते हैं कि इस DMIT रुक के कि क्या व्यक्ति लॉजिकल सोचता है, उसका IQ कितना है, EQ कितना है, CQ कितना है, विजनरी क्वेश्चन कितना है, वो किस प्रकार की सोच रखता है, जो कि किसी भी कंपनी में एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए काम आ सकता है। एक HR मैनेजर के लिए उसको कौन सी जॉब असाइन करना है इसके लिए भी बेहतरीन रूप से काम आ सकता है। बच्चों को अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें कि कौन से सब्जेक्ट को चूज करना है वो आ सकता है। कोई व्यक्ति अगर बिजनेस को सिलेक्ट करना चाहता है तो उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। तो जीवन के हर वक्त पर ये DMIT टेस्ट बहुत काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सपोज करें कि कोई व्यक्ति ने उसके जॉब के रहते या उसके बिजनेस के रहते अपना DMIT टेस्ट कराया, तो कहीं ना कहीं उसको बिजनेस में जो अनसक्सेस मिल रही, तो DMIT के माध्यम से वो ये जान सकता है कि उसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कहीं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, या प्लानिंग में प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, स्टाफिंग में प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। मेनली DMIT जो है वो पॉजिटिवली इफेक्ट देता है, पॉजिटिवनेस को बताता है। जैसे कि आप देखते हैं SWOT एनालिसिस होता है, तो SWOT एनालिसिस का ये सबसे महत्वपूर्ण टूल होता है जो आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को बताता है। इट्स ऑल अबाउट द DMIT। सो बहुत अच्छा नॉलेज है। और मैं अपने AM to PM के सभी बेहतरीन लीडर्स, सभी एसोसिएट्स को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम आपके पास इन बातों को लेकर पहुंच रहे हैं। आज मैं खुद इस बात को समझने आया कि एक्चुअली ये सब करके हमें क्या बेस्ट मिल सकता है। सो मैं जितना समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन। और मैं सर को थैंक्स कहना चाहूंगा इसके लिए। जल्द आपसे मुलाकात होगी, आप सभी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए, बहुत सारी समृद्धि आए, और DMIT के माध्यम से आप जान सके कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। जल्द आपके साथ फिर हाजिर होता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।